नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे वोटर आईडी को लेकर। देश में युवाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत आयोग ने बताया है कि 17 साल की उम्र होने के बाद अब युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि 17 साल के युवाओं को जरूरी नहीं कि वो 1 जनवरी का इंतजार करें और 18 साल की उम्र होने के बाद ही वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाएँ। वे इससे पहले भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं या फिर ऐड करवा सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव उपायुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तकनीकी समाधान तैयार करने का निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि साल भर में युवाओं को 3 बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका मिल सके। अग्रिम मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि 18 साल पूरा होने के 1 साल पहले वो 3 बार मतदाता सूची में बनवाने को लेकर, यानी मतदाता सूची में अपना नाम ऐड करवाने को लेकर अप्लाई कर सकते हैं। आयोग की माने तो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को अप्लाई करने की तारीख रखी गई है। अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा। अब आप 18 साल पूरा होने से पहले ही मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस नए नियम को लेकर चुनाव आयोग ने सिफारिश किया था कि जिसके बाद कानून एवं न्याय मंत्रालय ने अपने कानून में संशोधन किया, जिसके बाद अब आप 4 अलग-अलग तिथियों में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, और वो है 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पहले 1 जनवरी के अनुसार ही आवेदकों का नाम जो है मतदाता सूची में दर्ज किया जाता था। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से जोड़ने को लेकर भी संशोधन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मतदाताओं के आधार कार्ड की डिटेल लेने के प्रावधान को भी जो है मंजूरी दे दी है। दोनों काम जो है अब साथ साथ होंगे। बता दें कि पहले से जो मतदाता हैं उन्हें आधार नंबर लेने के लिए एक नया फॉर्म 6B लाया गया है। हालांकि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए किसी भी आवेदन को मना नहीं किया गया है और किसी भी व्यक्ति को द्वारा आधार नंबर नहीं देने या फिर सूचित करने के असमर्थता के लिए मतदाता सूची में कोई प्रविष्टि नहीं हटाई गई। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि वोटर लिस्ट 1 तिमाही में अपडेट होगा। जो युवा पात्र होंगे उनका नाम अगले साल के तिमाही के वोटर लिस्ट में नाम जुड़कर आ जाएगा। साथ ही साथ आयोग ने यह भी बताया है कि रजिस्ट्रेशन होने पर युवाओं को एक चुनावी फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा। अगर चुनाव आयोग मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है तो बता दें कि 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक यह अभियान जो है चलाया जाएगा, जिसमें वोटर लिस्ट में शामिल हर नाम का आधार नंबर लिंक किया जाएगा। कहा जा रहा है कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से जोड़ने का एक फायदा यह होगा कि एक नाम के 2 व्यक्तियों की पहचान आसानी से की जा सकेगी। अगर कोई व्यक्ति आधार नंबर नहीं देता है तो उसके लिए उन्हें शपथ पत्र देना होगा। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने के लिए बूथ लेवल के अधिकारी आपके घर तक जाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि आधार नंबर लेने के 1 सप्ताह के अंदर अधिकारियों को मतदाता सूची के नाम के साथ आधार नंबर को लिंक करवाना होगा, या फिर कोई भी मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी अपना आधार नंबर भेज सकता है। आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ने के लिए सरकार जहां अपनी दिलचस्पी दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसका विरोध कर रही है। हमने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान देखा कि गलत तरीके से कई गरीब लोगों के पैसे भी चुराए गए। ऐसे में कठोर कानून का प्रावधान होना चाहिए। आधार से वोटर लिस्ट के नाम जुड़ने को लेकर जो है कई तरह की संशय की स्थितियाँ पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलती रही है। ऐसे में लोगों की उम्मीद है कि इस तरह की गलतियाँ दोबारा न हो, इसके लिए कठोर कानून का प्रावधान बनना चाहिए। बिहार और बिहार से जुड़ी भी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।